बात है सन 2004 की। सतलोक आश्रम करौंथा के बाहर एक सेना का ट्रक खराब हो गया था। उसके साथ एक ट्रक और चल रहा था। शाम होने लगी थी। दोनों ट्रक आश्रम के बाहर खड़े करके वे अपने खराब ट्रक की जांच करने लगे। आश्रम गेट के सेवादार ने सोचा, कोई मदद सी बने तो हम भी देश की सेना की सेवा करें। देश के प्रति सबके लिए देश प्रेम की भावनाएं भी जुड़ी रहती है। सेना के भाइयों से निवेदन किया गया कि आपकी गाड़ी ठीक हो तब तक आश्रम में आइए, जल व भोजन ग्रहण करिए। उन सब सैनिकों ने आपस में राय मशवरा किया। कुछ लोग आश्रम में आए, आश्रम देखा, भक्तों के पास ज्ञान चर्चा हुई। फिर एक दो घंटों में बहुत से सैनिक भाइयों ने कबीर साहब का उपदेश लिया। एक सैनिक बोला, भगवान की तलाश में मैंने हर बड़े से बड़े संत से सुना तो था, पर आज पता चला कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी से भी आगे और बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। और कहा, कबीर साहब को कौन भगवान मानता है? हम स्कूलों में कबीर साहब के दोहे पढ़ते तो थे, लेकिन आज ज्ञान चर्चा कर पता चला कि वो साधारण से दिखने वाले संत स्वयं परमेश्वर थे। अब रात हो चुकी थी। गाड़ी ठीक करने के लिए सेना की दूसरी टीम को बुलाया गया था। सुबह उनकी टीम आती, उससे पहले वो खराब गाड़ी सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हो गई। उसके बाद सभी सैनिक अपनी मंजिल की तरफ प्रस्थान हो गए। कबीर, जो जो मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरू जब लग धरती आकाश। सत्साह, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।